जाली डॉक्यूमेंट्स बनाना लाड़काना में आम है। वो इतना ज़्यादा ये काम होता है जो इससे सबसे ज़्यादा अर्निंग्स होती है, और ये जानते हुए ऑफिसर्स कि ये जाली डॉक्यूमेंट हैं लेकिन खामोश रहते हैं, क्यों कि उसमें जो उनके ही ऑफिस के बंदे होते हैं वही जाली डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं, और ये बहुत आम है। अब ये न सिर्फ वो बनते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी जाली, न सिर्फ एनओसी आप पेट्रोल पंप की बनती हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे जाली डोमिसाइल भी बनते हैं। इस किस्म की जो कमाई है ऑफिसर्स को ख़ास करके वो बहुत ज़्यादा होती है, और उसके साथ साथ जब हम कोई केस भी जीत लेते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें जो प्रॉपर्टी थी जो कि डिस्प्यूटेड लैंड थी उनमें ये ऑर्डर हुआ था कि जो भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स अगर उनके नाम पे हैं, अगर उस पर कोई कब्ज़ा है तो वो तो मुख्तियारकार के पास है, लेकिन जब उसके ऊपर कोई केस नहीं है तो वो मिलना चाहिए। और मैंने ऐसी दरख्वास्त कमिश्नर साहब को भी दी है, डिप्टी कमिश्नर साहब को भी दी है, और मुख्तियारकार असिस्टेंट कमिश्नर साहब को दे दी है, लेकिन वो सोच में पड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इतना पैसा नहीं दे रहा है डॉक्टर जितना उसको देना चाहिए। अब बताएं क्या करें, इस हालात में हमारी ये मजबूरी है कि हमारी ज़मीन पे कब्ज़े हुए, और कब्ज़े छुड़ाने के लिए कानूनन भी हमसे पैसे मांग रहे हैं। तो मेरी इल्तिजा है अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चीफ सेक्रेटरी ऑफ सिंध के सुप्रीम कोर्ट के इस आर्डर की जो कि 2018 में सो मोटो एक्शन लिया था उसके आनर में वो माना जाए,